सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 15 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसकी गहराई 5.5 इंच तक रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको गोलाई देंगे। ये गोलाई देने के बाद हम करीब 1 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। आप 1 इंच भी रख सकते हैं और इससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से करीब 1/2 या 1/4 इंच पर फिर एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर करीब 1/2 इंच छोड़कर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक बिल्कुल बारीक सी हम लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से भी जितनी दूरी हमने यहाँ पर रखी है इतनी दूरी पर नीचे तक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से करीब 1/2 इंच यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से गोलाई देते हुए इसी लाइन पर। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। पहले छोटा सा कट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से बिल्कुल बारीक सी एक पट्टी काट देते हैं। ये कटिंग हमें इस तरह से करनी है। इसके बाद हम अपनी कुर्ते का कपड़ा लेते हैं और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से रखिए और प्रेस से उसको पेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप बिल्कुल सीधा इस तरह से रखिए और इस पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। हमारी ये बीच में देखिए इस तरह से जगह बचनी चाहिए ताकि हमें सिलाई के लिए और कटिंग के लिए जगह मिल जाए। इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से पूरे गले की कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाते हैं और एक कट यहाँ पर लगाते हैं और ये कट लगाने के बाद हम इसको चारों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको भी सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में एक सिलाई लगाएंगे। जब हम बीच में सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है हमारी ये जो लाइन है ये इस पट्टी के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो बेशक थोड़ी बहुत ये सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर आ जाए, इससे कोई टेंशन नहीं है। ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम ऊपर के हिस्से की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपने पूरे गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलटते हुए सीधा कर लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और आप किसी चीज़ से ये दोनों कॉर्नर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अपना मैचिंग का कपड़ा लेते हैं। आप चाहें तो सेम कलर भी रख सकते हैं, यानी अपनी कुर्ती का कपड़ा भी रख सकते हैं और मैचिंग का कपड़ा भी रख सकते हैं और उनको भी हम प्रेस से दोनों पट्टियों को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और हमारे दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड होने चाहिए, यानी सीधी तरफ होने चाहिए। ये मैंने देखे ये पट्टियाँ डबल रखी हुई हैं तो हमें डबल रखनी है और दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड रखने हैं। इसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगानी है दोनों हिस्सों पर, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं और दोनों पट्टियों की कटिंग हमें इसी तरह से करनी है। और इसके बाद हम इसमें भी इस साइड छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको थोड़ा बाहर बाहर से हम काट देंगे। कटिंग करने के बाद हम अपनी पट्टियों को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे। दोनों पट्टियां सीधी करने के बाद हम देखिए इनको इस तरह से फोल्ड करते हैं। और इनके ऊपर दोनों पट्टियों पर इस तरह से निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारी बुकरम है। और फिर इन्हीं निशानों के ऊपर हमें दोनों पट्टियों पर एक एक सिलाई लगानी है। इसके बाद हम पोटली बटन बनाते हैं। आप इसके अंदर थर्माकोल की गोली भी भर सकते हैं और कपड़ों की छोटी छोटी कटिंग करके आप ये भी भर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी आप कटिंग करिए और इस तरह से इनको मिलाइए
और सुई में डबल धागा डालिए। और इस तरह से इसको थोड़े से नीचे तक ऐसे लपेटते जाइए और फिर इसको पक्का कर दीजिए। और थोड़े से नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें अपने गले पर इन दोनों पट्टियों को सिलना है। हमने ये जो सिलाई लगाई है बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हमें अपने गले को इस तरह से रखते हुए यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधा ही आना चाहिए। और ये जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बाहर दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और फिर इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड एक सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ पर आएंगे तो अंदर की साइड से हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी भी लगाएंगे। इसके बाद हम इस साइड पोटली बटन लगाएंगे और आप चाहें तो इनको सीधे मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले सुई से कच्चा करके लगाएंगे तो आपको लगाने में ज़्यादा सुविधा होगी। आप इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते जाइए या जितनी दूरी पर आपको लगाने हैं उतनी दूरी पर रखते जाइए और इनके ऊपर आप पहले कच्चा कर लें। देखिए मैंने मशीन पर सिंगल फुट लगा लिया है और पहले इस तरह से हमने हाथ से कच्चा करके ये पोटली बटन लगा दी है और इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए एक साइड इस तरह से ये यहाँ तक नीचे तक पूरे बटन लगाने के बाद हम एक पट्टी लेते हैं और इसको मैंने देखिए बीच में से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। और इस पट्टी की लंबाई हमारी ये जो लंबाई है इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और इसको हम इस तरह से इसके नीचे रखते हैं। यहाँ पर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर पहले हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक साइड ये पट्टी लगाने के बाद हम अपनी मशीन को उठाते हैं और दूसरी साइड इसको लेके आते हैं और फिर देखिए इस पट्टी को हम बिल्कुल इसमें मिलाते हुए इस तरह से रखते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है। और आप इसको और स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके ऊपर ये डोरी लगा सकते हैं। और अगर आपको ये डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इसको देखिए यहाँ पर हाथ से लगाया है दोनों साइड में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
one, 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 one,